नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एडुटेकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट आपके रेलवे के जो एग्जाम्स होने वाले 2019 के उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आपके रेलवे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उस हेतु बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले मैंने जीएस प्लस जीके के 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड कर दें। दोस्तों अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो ना आप देख लें और आपके एग्जाम से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं बिना देर किए कौन कौन से आज इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट 9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो आपको उस जगह का नाम बताना है। दोस्तों हाल ही में सितंबर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत थी वो की थी झारखंड राज्य से। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर माह में झारखंड राज्य से की गई थी, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज मुहैया कराया जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ और दोस्तों, इस योजना के तहत जितने भी लाभार्थी होंगे जितने भी परिवार होंगे उन परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगा, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। तथा इस योजना की जानकारी लेने के लिए दोस्तों एक टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर याद कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों एक टोल फ्री नंबर, इसका नाम है 1455। तो अब इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विश्व शिक्षक दिवस 2018 कब मनाया गया, तो आपको नाम बताना है दोस्तों उस डेट का। दोस्तों तो विश्व जो शिक्षक दिवस है वर्ल्ड टीचर्स डे है 2018 में मनाया गया था 5 अक्टूबर के दिन। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड टीचर्स डे या कहें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। इस बार की जो थीम थी क्या थी, तो दोस्तों 2018 में जो अक्टूबर माह में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी शिक्षा का अधिकार, अर्थात एक योग्य शिक्षक का अधिकार। आप इसे थीम याद कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया गया था 5 अक्टूबर को उसकी थीम क्या थी। दोस्तों इस बार की थीम थी शिक्षा का अधिकार, अर्थात एक योग्य शिक्षक का अधिकार। तो आप इतनी चीज़ याद रखेंगे। तथा एक चीज़ और दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को 1966 ईस्वी से ही मनाया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। जो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है 1966 ईस्वी से, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत किस जगह से की थी, आपको उस जगह का नाम बताएं। दोस्तों हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की थी, वो शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने, आपको उस जगह का नाम बताएं। दोस्तों जो शुरुआत की गई थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो की गई थी न्यू दिल्ली से। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IPPB या कहें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत है वो की थी उन्होंने नई दिल्ली से। कब की थी, तो अपडेट भी याद कर सकते हैं 1 सितंबर 2018 को। 1 सितंबर 2018 दोस्तों भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में बर्फ से ढकी हुई एक सुपर अर्थ की खोज की गई। दोस्तों हाल ही में बर्फ से ढकी हुई एक सुपर अर्थ की खोज की गई जिसका नाम रखा गया दोस्तों बर्नार्ड। आप नाम याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों कि हाल में सुपर अर्थ की एक खोज की गई जो कि बर्फ से ढकी है उसका नाम क्या रखा गया है, तो आपसे नाम पूछ सकते हैं, नाम याद कर लीजिएगा बर्नार्ड रखा गया। आपको बता दें दोस्तों कि जो बर्नार्ड है जो सुपर अर्थ है उसकी पृथ्वी से दूरी टोटल कितनी, आपको उस दूरी का नाम बताएं। दोस्तों जो हाल ही में जो बर्नार्ड को खोजा गया उसकी जो पृथ्वी से दूरी हमारे 6 लाइट ईयर है, कहें तो 6 प्रकाश वर्ष टोटल दूरी है पृथ्वी से, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों 6 लाइट ईयर या 6 प्रकाश वर्ष टोटल दूरी है जो सुपर अर्थ हाल ही में खोजी गई है, तब इसे भी याद कर लीजिएगा। तो एक चीज़ और, तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी या डिस्टेंस मापा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पड़ोसी एशियाई देश मालदीव में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, आपको बताना है। दोस्तों हाल ही में मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो किसे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया गया, आपको उनका नाम बताना। दोस्तों हाल ही में हुए मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव पर राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सलेहा को, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में
हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव है, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है उन्होंने जीता इब्राहिम मोहम्मद सलेहा। इस तरह ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे भी याद कर सकते हैं। तथा यह चुनाव कब हुआ, तो चुनाव हुआ था सितंबर 2018 महीने में, तो अभी डेट भी याद कर लीजिएगा, सितंबर 2018 में यह चुनाव हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया है, आपको उनका नाम बताएं कि हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण फर्क से इनके साथ, मतलब जो दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है वो दो लोगों को मिला था। एक तो हो गए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हो गए, उसके बाद दोस्तों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, आप याद कर सकते हैं दोस्तों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और उसके बाद जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन दोनों लोग को संयुक्त रूप से चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यह पुरस्कार इन्हीं दो लोगों को क्यों प्रदान किया था, दोस्तों इन दो लोगों ने सतत ऊर्जा या कहते तो सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में एरिया में बहुत ही अच्छा काम किया था, इस हेतु इनको इन दोनों लोग को यह पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सितंबर 2018 में किसे द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों हाल ही में लुका मॉड्रिक को दोस्तों हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया। इस तरह ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, लुका मॉड्रिक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लुका मॉड्रिक को दोस्तों जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, क्रोएशिया की तरफ से फुटबॉल मैच खेलते हैं, उनको दोस्तों वर्ष 2018 में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया। तब इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते थे। इनके बाद दोस्तों एक चीज़ और, मार्टा नाम की जो मार्टा दोस्तों मार्टा है जो एक महिला खिलाड़ी है, फुटबॉल महिला खिलाड़ी है मार्टा, उनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब दिया गया। तब इसे भी याद कर लीजिएगा, पुरुष श्रेणी में मिला दोस्तों लुका मॉड्रिक को, तथा महिला श्रेणी में मिला मार्टा जो कि ब्राजील की हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। तो दोस्तों वह एकमात्र वायसराय था, वह था लॉर्ड मेयो, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वो हुई थी भारत में 1872 ईस्वी में, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी दोस्तों वो भारत में हुई थी 1872 ईस्वी में, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा दोस्तों इसका जो कार्यकाल था वो तो 1869 से 1872 तक ये वायसराय के पद पे बना हुआ था, तब 1872 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तथा इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे दोस्तों, इसने 1872 ईस्वी में जनगणना कराया था, आप याद कीजिए, भारत लॉर्ड मेयो ने दोस्तों भारत की प्रथम जनगणना कराई थी 1872 ईस्वी में, आप याद कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है कि दोस्तों भारत में किस वायसराय ने पहली बार जनगणना कराई थी। प्रथम बात तो दोस्तों 1872 ईस्वी में जो लॉर्ड मेयो था उसने पहली बार जनगणना कराई थी हमारे भारत में। तथा एक चीज़ और इससे रिलेटेड हो, इसने 1872 में दोस्तों एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी लॉर्ड मेयो ने। तब इतनी चीज़ें लॉर्ड मेयो से संबंधित याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यह कहता है दोस्तों कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। तथा ये जो आर्टिकल 24 है आपको बताएं किस किससे संबंधित है दिए गए ऑप्शनों में से। दोस्तों आर्टिकल जो 24 है उसका जो संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है, तो फंडामेंटल राइट्स या कहें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 24 आता है। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, आर्टिकल जो 24 है अनुच्छेद 24 है वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तथा आर्टिकल 24 कहता क्या है, तो आर्टिकल 24 वो कहता है दोस्तों कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 24 कहता है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तथा आर्टिकल 24 जो है वो मौलिक अधिकार के सेक्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित, आप इसे भी याद कर लीजिएगा, जो मौलिक अधिकार का सेक्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार उसी में आर्टिकल 24 आता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की जो शक्ति है वो दिए गए ऑप्शनों में से किसके पास है, आपको नाम बताना है। दोस्तों किसी भी दोषी व्यक्ति को उसकी क्षमा करना, उसको क्षमा करना,
अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में या प्रेसिडेंट के हाथों में निहित होती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रपति चाहे तो, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, उसको दोषी व्यक्ति का अनुदान दे सकता है, उसकी सजा का निलंबन कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। ये सभी शक्तियाँ हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं, हमारे राष्ट्रपति जी के पास हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन है तो आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद जी, प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति हैं, तब इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि प्राग किसकी राजधानी है। तो दोस्तों जो प्राग है राजधानी है चेक गणराज्य की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो प्राग है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और राजधानियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो दिए गए ऑप्शन है। सऊदी अरब की जो राजधानी होती है, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है प्योंग प्योंग है। उसके बाद दोस्तों चेक गणराज्य की तो हमने बात की है, प्राग राजधानी है। उसके बाद दोस्तों जो त्रिनिदाद और टोबागो है उसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो दोस्तों आपको इन चारों देशों की राजधानियाँ याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अगले प्रश्न किधर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जो ऊष्मा क्षमता है, ऊष्मा क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों जो भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता है उसको मापा जाता है जूल प्रति केल्विन में। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल सही है दोस्तों। जूल प्रति केल्विन नामक इकाई से दोस्तों ऊष्मा क्षमता को मापा जाता है, हीट की कैपेसिटी को मापा जाता है दोस्तों जूल प्रति केल्विन से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का जो भार है सबसे अधिकतम होता है वो किस स्थिति में होगा, दिए गए ऑप्शनों को देख के आपको बताना है। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो भार होता है वो ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ या कहें तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु का जो भार होता है अधिकतम ध्रुवों पर रहता है, तो जिसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जब नेट टार्क शून्य है तब कौन सी स्थिति उसकी स्थिर हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई जब नेट टार्क शून्य होता है तब उसका जो नेट टार्क का एंगुलर मोमेंटम होता है, वो कोणीय वेग होता है, वो स्थिर या कांस्टेंट हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब नेट टार्क मान लीजिए जीरो होता है, नेट टार्क जब शून्य होता है तो उसका जो कोणीय वेग होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो बिल्कुल स्थिर या कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना परसेंट हिस्सा बाहर पानी के रहता है, आपको उस हिस्से का नाम बताना है। तो दोस्तों टोटल पानी का जो टोटल बर्फ का 0.1% हिस्सा, टोटल बर्फ का दोस्तों 0.1% हिस्सा ही पानी के ऊपर रहता है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका 0.1% हिस्सा ही पानी के बाहर दिखता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, बाकी का हिस्सा पानी के अंदर ही रहता है। तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया जो ऊष्माग्राही है, आपको बताना है दोस्तों। दिए गए अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माग्राही या एंडोथर्मिक है, आपको उसका नाम बताना है दोस्तों। जो इंडोथर्मिक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, जो ऊष्माग्राही अभिक्रिया दिए गए ऑप्शन में से, वो है पसीना का निकलना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पसीना का जो निकलना होता है वो एक प्रकार की ऊष्माग्राही अभिक्रिया या इंडोथर्मिक अभिक्रिया या रिएक्शन होती है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से जो ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाता है अंतरिक्ष की तरफ दोस्तों, वो ऊष्मा किस रूप में उत्सर्जित की जाती है, उस रूप का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सतह से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो होता है अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊष्मा निकलती जो अंतरिक्ष में पहुंचती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन या कहें तो अवरक्त विकिरण के रूप में पृथ्वी से ऊष्मा निकल के ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि रेक्टिफायर किसको किसमें परिवर्तित करता है, आप इसे याद बताना है आपको दोस्तों। जो रेक्टिफायर होता है उसके द्वारा किसको किसमें परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करना या करना, या दोस्तों एसी जो रेक्टिफायर होता है डिस्टकारी होता है, इसको रेक्टिफायर को हिंदी में डिस्टकारी भी कहते हैं। रेक्टिफायर का जो मेन काम होता है वो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट को डीसी करंट या कहें तो डिस्ट धारा में परिवर्तित करना, जो रेक्टिफायर का मेन काम होता है, मेन उद्देश्य होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रेक्टिफायर का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करना, तब इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों यूडियोमीटर किसका मापन करता है, आपको नाम बताएं कि यूडियोमीटर का मापन
यूडियोमीटर जैसा दोस्तों किस चीज़ का मापन किया जाता है दिए गए ऑप्शनों में से। दोस्तों यूडियोमीटर का जो मापन यूडियोमीटर के द्वारा दोस्तों गैस का आयतन यानी उस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गैस का आयतन मापने के लिए यूडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह ऑप्शन ए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो गैस का आयतन है वो मापा जाता है यूडियोमीटर के द्वारा, तथा यूडियोमीटर की जो खोज की गई थी दोस्तों वो की गई थी, आप इसे याद कर लीजिएगा, यूडियोमीटर की खोज की गई थी मार्सिलियो लैंड्रिओनी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसके द्वारा की गई, तो यूडियोमीटर की खोज की गई थी मार्सिलियो लैंड्रिओनी के द्वारा यूडियोमीटर की खोज की गई थी। तथा यूडियोमीटर के द्वारा गैसों का आयतन मापा जाता है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, आपको उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं। दोस्तों सीमेंस का जो मापन है वो किया जाता है विद्युत जो चालकता होती है उसके जो मापन होता है दोस्तों किया जाता है सीमेंस के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। जो विद्युत चालकता होती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है दोस्तों, वो सीमेंस के द्वारा मापा जाता है, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये भी इस प्रश्न थे जो कि जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट 9 से लिए गए थे। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम जो कि 2019 में होने वाले हैं उस हेतु बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें जरूर से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम हेतु बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।